अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड हैप्पी रमज़ान। रमज़ान के कुछ दिन गुजर चुके हैं। आज हम मैंने सोचा कि हम क्यों ना रोज़े में कढ़ाई गोश्त खाएं। तो उसके लिए आपको 1 किलो गोश्त की ज़रूरत है, और अगर आप चाहें तो ये छोटा बड़ा कोई भी गोश्त हो सकता है, और इसमें आप चाहें तो लाट भी डाल सकते हैं। वो जो अगर बकरे का है तो फिर तो आपकी मर्ज़ी, आप लाट डाल सकते हैं। और चाहिए लहसुन के पूरी एक गड्डी चाहिए लहसुन की, और लहसुन को इस तरह से आप पेस्ट ले लें, लहसुन का पेस्ट ले लें, या आप इसको श्रेड कर ग्रेट कर लें। और टोमेटोस चाहिए, किलो टोमेटोस चाहिए आपको। इसका इसको हम पील करेंगे टोमेटोस को। पहले हम लहसुन ग्रेट करते हैं, और साथ में कढ़ाई मसाला बाज़ार में मिलता है, तो वो कढ़ाई मसाला हम शान का डालेंगे। आपको अगर ये मिर्ची जो है ये हम साथ ही डाल देंगे, जब लहसुन गोल्डन हो जाएगा ना तो साथ ही मिर्ची भी डाल देंगे। अगर मिर्ची नहीं खाते तो फिर मिर्ची स्किप कर दें। कढ़ाई जो है उसका टेस्ट उसी तरह आता है कि इसमें इतने मसाले ना डाले जाएं, तो हम मसाले कम डालेंगे। पास बहुत सारे पीलर्स होंगे, आप उससे इस तरह से इसका जो छिलका है, स्किन है, वो इस तरह से आप उतार देंगी। एक चम्मच ऑयल डाला, और इसमें हमने जो लहसुन ग्रेट किया है लहसुन वो डाल देते हैं। इसको आप हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे सोक करेंगे। सारे देखें, इसमें छिलके नहीं है, छिलके ना डाल दीजिएगा। ये मैंने टमाटर पील किए और उसको मैं गोल गोल काटती हूँ। ये कढ़ाई मैंने जैसे बाज़ार में बनती है वैसे सीखी है, लेकिन वो उसको प्रेशर कुकर नहीं लगाते, लेकिन हम लगाएंगे प्रेशर कुकर लगाएंगे, क्योंकि उससे ये गोश्त जो है वो गलेगा। और लहसुन हमारा तकरीबन गोल्डन हो चुका है, और बस ज़्यादा नहीं करते, फिर ये गोश्त के साथ होगा। इसमें हम टमाटर, ये टमाटर मैंने ऐसे काट लिए हैं, और ये मैं साथ ही आप गोश्त ही डाल दें, गोश्त के साथ ही डाल दें, और हम इसको ये 1.25 किलो टमाटर थे, 1 किलो बहुत ही 1.25 किलो टमाटर मैंने डाले हैं। ये अच्छी सी ग्रेवी वाला
ग्रेवी वाली कढ़ाई बनेगी अच्छी सी। जो है वो आती जाती रहती है आजकल, आप लोगों को पता होगा गैस का थोड़ा सा मसला। हम तब तक नमक और नमक डाल देते हैं। ये हाफ टेबल स्पून नमक मैंने डाला है, आप उसी मर्जी से डालें। और कढ़ाई मसाला जो है वो हाफ टेबल स्पून थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, ज़्यादा सादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, एक टेबल स्पून आप कढ़ाई मसाला डाल दें, या आप ज़्यादा फीका खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अभी हम भूनेंगे। देखिए व्यूअर्स, इसमें गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, टमाटो को भी पानी था, तो इसको हम दो बार प्रेशर कुकर लगाएंगे। एक हमने आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर कुकर लगाना है। आपका जो लाया हुआ गोश्त है वो जितने मिनट में गल जाता है आप उतना मिनट उसको प्रेशर लगाएं। मैं इसको आधा घंटा लगाऊंगी कि डालें पानी के डालूंगी मैं इसमें, मैं डाल रही हूँ और मैं इसको पूरे 2 कप मैंने डाले और मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी ये, और मैं इसको फिर एंड में भून लूँगी, दोबारा से भून लूँगी। अभी ये थोड़ा सा भूना, थोड़ी सी इसमें कसर थी तो मैंने, ये पानी नहीं सूखेगा जब तक हम इसको प्रेशर लगा देंगे, तो तब ये पानी भी सूख जाएगा अच्छी तरह से और गोश्त भी गल जाएगा। तो आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको इसकी स्टेज बताती हूँ। ये देखिए भी मैंने इसको प्रेशर कुकर जो है वो लगा, ये देखिए मैं इसको प्रेशर कुकर लगा रही हूँ ऐसे। तो व्यूअर्स, मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं, आप इसको बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खुश कर लें तो ये इसी तरह से तैयार हुई है। मैंने इसको दोबारा नहीं भुना, बस ये कुकर में ही गल गया था। आप